दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एकदम बेहतर बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर पूरी दुनिया में गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। ऐसे में पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज शोएब अख्तर और वसीम अकरम ने भारतीय टीम को लेकर कुछ ऐसे बयान दे दिए जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, इन दोनों के अलावा पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने भी भारतीय टीम को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर क्या कहा इन तीनों ने, इसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है बेहतर बल्लेबाज? हमें नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले को शुरू होने में मात्र 2 ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में इस मुकाबले को लेकर पूरी दुनिया में उत्साह अपने चरम सीमा पर बना हुआ है। इसी को देखते हुए पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज शोएब अख्तर ने अपने YouTube चैनल पर कहा है कि पाकिस्तानी टीम को एशिया कप से पहले कई करारे झटके लगे हैं जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है, और इन झटकों से भारतीय टीम हमारे मुकाबले में बहुत ही मजबूत नजर आ रही है। यदि पाकिस्तान इस मुकाबले को जीतना चाहती है तो उसे जल्द से जल्द अपनी टीम की सारी समस्याओं का निजात करना होगा, तभी हम भारतीय टीम को हराने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भारतीय टीम एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार है, यहां तक कि उन्हें वर्ल्ड कप का दावेदार माना जा रहा है, तो आप उस टीम को इतनी आसानी से तो नहीं हरा पाएंगे जो वर्ल्ड कप जीतने की क्षमता रखती है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि यह मुकाबला भारत आसानी से जीत लेगा। तो वहीं पर शोएब अख्तर ने, साथ ही खिलाड़ी और पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज वसीम अकरम ने भी अपना बयान जारी किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के पास कई बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने आप को बड़े मुकाम पर साबित किया है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का स्तर बहुत ही अलग होता है। आपको इस मुकाबले को जीतने के लिए एक अलग ही टेम्परामेंट की जरूरत होती है। पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम की तुलना में बहुत युवा है, इसीलिए उन्हें सही सोच और टेम्परामेंट के साथ मैदान पर उतरना होगा, क्योंकि यदि पाकिस्तानी टीम ने इस मैच में थोड़ी सी भी गलती की तो भारतीय टीम आसानी से उन पर हावी हो जाएगी और फिर पाकिस्तान इस मैच में कभी भी वापसी नहीं कर पाएगा। और फिलहाल तो मुझे ऐसा ही होता नजर आ रहा है। मैं सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान भारतीय टीम को इस मुकाबले में हराने की क्षमता रखता है, क्योंकि आप एक बार भारतीय टीम पर नजर डालें, उनकी टीम इतनी परफेक्ट और खतरनाक है कि वो दुनिया की किसी भी टीम की धज्जियां उड़ा सकती है। तो वहीं पर सभी को हैरान करते हुए पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने भी इस मुकाबले को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जो सभी को हैरान करती हैं। शाहिद अफरीदी ने कहा है कि मैंने भारतीय टीम के सामने बहुत अधिक क्रिकेट खेला है, भारत के पास बहुत ही खतरनाक और प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उनका हर खिलाड़ी अपने आप में वन मैन आर्मी के समान है। यदि आप रोहित शर्मा से बचते हैं तो आपके सामने कोहली खड़ा है, यदि आप भुवनेश्वर की गेंदों से बच जाते हैं तो आपके सामने अश्विन और जडेजा के रूप में स्पिन गेंदबाजी के सरताज सामने मिलेंगे। ऐसे में हमें एक पल के लिए भी ये नहीं सोचना है कि हम इस मुकाबले को आसानी से जीत लेंगे। भारतीय टीम के पास अनुभवी और युवाओं का एक ऐसा दल है जो उसे दुनिया की सबसे खतरनाक टीम बनाता है, तो हमारी टीम के बहुत ही कम चांस है कि वो मुकाबले को जीत पाए। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी बात में 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। बस यही आखिरी उम्मीद पाकिस्तान को इस मुकाबले में लाकर खड़ा कर देती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन सा बल्लेबाज शतक लगा पाएगा? हमें नीचे बताइए कमेंट बॉक्स में, और साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।